सुनो, प्रभु ने मुझे याद करवाए वो दिन 2013 में। ये दिन ऐसे दिन थे जब वर्शिप करने हम बैठते थे तो मेरे जो साथी होते थे वो निकल जाते थे बाहर। उनको मालूम था कि ये बंदा आ गया, ये 8 घंटे पहले छोड़ेगा नहीं मुझे। सुनो, हम क्या करते थे, वर्शिप कैसे करते थे, जरूरी साज बाज होते थे हमारे पास, मेरे मोबाइल में सॉन्ग होते थे रिकॉर्डेड, और मैं उसको लगाना, एक हारमोनियम मेरे साथ बैठना और एक ढोलकी वाला, बस दैट्स इट। मुझे याद है कि जब परमेश्वर ने मेरी लाइफ में सबसे बड़ा काम करना था, और अगर सबसे बड़ी निराशा में मैं रहा हूँ मिनिस्ट्री में आने के बाद, लाइफ ऐसी हो गई थी और कुछ था नहीं करने के लिए, और एक कमरे में चले जाना और 6 घंटे बस बैठ जाना उधर, ये नहीं कि 6 घंटे के 8 घंटे में बैठना, दिल करना सॉन्ग गाना, प्रेयर करनी, मोबाइल का सॉन्ग, हारमोनियम, ढोलकी, रोज का काम था, रोज 6 घंटे 8 घंटे रोज। और वो दिन थे जब परमेश्वर ने मुझे देख लिया कि ये बंदा निराशा में रहे, खुश रहे, ये हटने वाला नहीं। आमीन। और मुझे आज वही दिन याद आ रहे थे कि आज आप स्पेशल आए हो सिर्फ 12 घंटे वर्शिप करने के लिए। सुनो, पर मेरा ये लाइफस्टाइल था, ये मेरा ये लाइफस्टाइल था। पास्टर्स को भी ये ध्यान रखना चाहिए, हर टाइम मिनिस्ट्री ये सही नहीं है, आपकी अनॉइंटिंग कम हो जाती है। इसलिए जब भी आप मुझे देखोगे सैटरडे नाइट या कभी भी, मैं हमेशा प्रेयर रूम से निकल के यहाँ पे आता हूँ, और जरूरी नहीं कि सॉन्ग धड़ 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 करना है, आराम से लगे रहो, कई बार यही म्यूजिक लगा रहे और म्यूजिक में एक सॉन्ग एक लाइन गा रहे हो आप, बस दैट्स इट। आमीन। आप देखना ऐसे करके आराम से बैठ जाना, जरूरी नहीं आपने हर टाइम धड़ 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 करनी, आराम से बैठ जाओ, अपने मन को लगाओ। आमीन। मैं तो पहले पजामा डाल के आने वाला था, मैंने कहा ऑनलाइन जाना है 1 घंटा तो। बैठो कभी ऐसे रोज प्रेयर, कभी बैठना ऐसे लगातार 1 घंटा 2 घंटा नहीं, लगातार कंटिन्यूस। आमीन।